हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पहलिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, यानी कि उसकी गैमेटोफिटिक जनरेशन की बात करी, लेकिन इस वीडियो में हम पहलिया का स्पोरोफिटिक जनरेशन पढ़ने वाले हैं कि कैसे स्पोरोगोनियम का डेवलपमेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके स्ट्रक्चर के एक एक पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर डायग्राम के थ्रू देखा जाए तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम कैसे होता है। सबसे पहले जाइगोट जो है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन का पहला सेल होता है, है ना, फर्स्ट सेल होता है जाइगोट। जाइगोट में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहे हैं, ट्रांसफर डिवीजन, जिसमें वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एपिबेसल और हाइपोबेसल, फिर ट्रांसफर डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है, फिर फर्दर हाइपोबेसल जो पार्ट है उसमें फर्दर जो है डिवीजन नहीं होता है, तो क्या होता है, वो होस्टोरियम बनाता है। ठीक है, वो किस फॉर्म में आ जाता है, होस्टोरियम के फॉर्म में। सिर्फ एपिबेसल में डिवीजन्स होते हैं, एपिबेसल सेल में वर्टिकल डिवीजन होते हैं, ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, और वो क्या रिजल्ट में क्या आता है कि 4 से 8 सेल का स्ट्रक्चर बनता है, है ना। फिर वो जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है किस में, कैप्सूल, सीटा और फुट में, है ना, और ये एक जाके क्या बनाता है, ये एक स्पोरोगोनियम का स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये हम जब डिटेल में स्पोरोगोनियम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ डेवलपमेंट देखा है कि कैसे जो है जाइगोट से एक स्पोरोगोनियम का डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसको हम पॉइंट्स वाइज पढ़ते हैं, कैसे कि जाइगोट अंडरगोज ट्रांसफर डिवीजन। जाइगोट पहला सेल है स्पोरोफिटिक जनरेशन का, जिसमें क्या हो रहा है, वो ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है, और वो ट्रांसफर डिवीजन होकर के क्या बना रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिसमें अपर सेल उसका कहलाता है एपिबेसल सेल और लोअर सेल कहलाता है हाइपोबेसल सेल। यहाँ पे हमने अभी इस चीज़ को देखा है, है ना, अपर सेल एपिबेसल और लोअर वाला हाइपोबेसल सेल। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाइपोबेसल सेल डज नॉट अंडरगो फर्दर डिवीजन एंड इट फॉर्म्स होस्टोरियम। हाइपोबेसल सेल जो है उसमें फर्दर कोई डिवीजन नहीं होता और वो क्या बनाता है, होस्टोरियम बनाता है। ठीक है, एपिबेसल सेल क्या होता है, अंडरगो ट्रांसफर डिवीजन फॉलोड बाय वर्टिकल डिवीजन एंड एज अ रिजल्ट 4 सेल एम्ब्रियो इज फॉर्म। यानी कि सिर्फ एपिबेसल सेल में डिवीजन्स होते हैं, ट्रांसफर डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन्स हो रहे हैं, और वो क्या बना रहा है, 4 सेल का एम्ब्रियो बना रहा है। अब ये 4 सेल का एम्ब्रियो अंडरगोस 2 वर्टिकल डिवीजन, इसमें फर्दर फिर 2 वर्टिकल डिवीजन हो रहे हैं विच इज पैरेलल टू द फर्स्ट एंड एज अ रिजल्ट, और अगर रिजल्ट देखा जाए तो वो कितना इस सेल का स्ट्रक्चर बना, 8 सेल का एम्ब्रियो जो है फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। द अपर टीयर फॉर्म्स द कैप्सूल, यहाँ पर टीयर की स्पेलिंग होगी TEIER। ठीक है, द अपर टीयर फॉर्म्स द कैप्सूल। अब ये जो 8 सेल का एम्ब्रियो बना है उसमें अपर टीयर जो है, यहाँ पे डायग्राम में दिखाते हैं, ये जो अपर टीयर है ना, ये अपर टीयर क्या कहलाता है, कैप्सूल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, वो कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगा और लोअर टीयर फॉर्म द सीटा एंड फुट। लोअर टीयर क्या बनाएगा, सीटा और फुट। हमने पढ़ा है कि स्पोरोगोनियम में बेसिकली क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कैप्सूल होता है, सीटा होता है और फुट होता है। तो यहाँ पे अपर टीयर जो है उसने क्या बनाया, कैप्सूल बनाया, और लोअर टीयर ने क्या बनाया, सीटा और फुट बनाया। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द 8 सेल एम्ब्रियो अंडरगो फर्दर डिवीजन। द अपर टीयर 4 सेल्स अंडरगो एंटीक्लिनल डिवीजन टू फॉर्म एंडोथीसियम। अब जो 8 सेल का एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है उसमें फर्दर डिवीजन होगा, और जब ये फर्दर डिवीजन होगा तो जो अपर टीयर होगा 4 सेल का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें एंटीक्लिनल डिवीजन होगा और वो क्या बनाएगा, एंडोथीसियम बनाएगा, और जो है उसमें इट ऑल्सो अंडरगो पेरिक्लिनल डिवीजन टू फॉर्म एम्फीथीसियम। यानी कि यहाँ पे 2 चीज़ें बन रही हैं, एंडोथीसियम और एम्फीथीसियम। अब ये एंडोथीसियम और एम्फीथीसियम क्या बनाते हैं, तो एम्फीथीसियम जो होता है वो आगे चल करके कैप्सूल का वॉल बनाता है। ठीक है, फॉर्म्स द कैप्सूल वॉल जो कि कैप्सूल का प्रोटेक्शन करता है। द एंडोथीसियम फॉर्म्स इलेक्ट्रोफोर्स, इलेटर्स एंड स्पोर डेट्रार्स। और एम्फीथीसियम, अब जैसे ये कैप्सूल बन गया, ठीक है, ये कैप्सूल बन गया, तो कैप्सूल के अंदर जो है इलेटर्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफोर्स प्रेजेंट है और स्पोर के टेट्रार्स प्रेजेंट है। तो एंडोथीसियम जो है वो अंदर का पार्ट है, वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफोर्स, इलेटर्स एंड स्पोर टेट्रार्स को बनाता है। इलेक्ट्रोफोर्स जो है वो सिर्फ पेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है, और किसी भी ब्रायोफाइट्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ पेलिया में पाए जाएंगे। तो यहाँ तक पॉइंट्स आपको समझ आ गए हों।
अब बात करते हैं स्पोरोगोनियम के स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोगोनियम कैसे है। तो ये डायग्राम में आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इन्वोल्यूकर प्रेजेंट है, कैलिप्ट्रा प्रेजेंट है। अभी हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कैप्सूल की वॉल प्रेजेंट है, कैप्सूल कहलाता है ये, है ना, ये कैप्सूल कहलाता है। इसमें कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेटर्स प्रेजेंट हैं, स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट हैं, है ना, एसएमसी जो कहलाते हैं, स्पोर मदर सेल्स ही क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं आगे चल करके। फिर कैप्सूल के जस्ट नीचे क्या होता है, सीटा प्रेजेंट होता है, और नीचे आकर के फुट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या है, ये एबॉर्टिव नेचर का आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। ये आप डायग्राम यहाँ पे देख लीजिए, हम इसके बारे में एक एक पॉइंट जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। विद इन ईच इन्वोल्यूकर, अगर ईच इन्वोल्यूकर को देखा जाए तो अ सिंगल स्पोरोगोनियम इज डेवलप्ड, यानी कि स्पोरोफाइट की बात हो रही है, कि एक सिंगल, हर इन्वोल्यूकर में एक सिंगल स्पोरोगोनियम डेवलप होता है एंड द रिमेनिंग आर्चिगोनिया बिकम एबॉर्टिव। और जो रिमेनिंग आर्चिगोनिया होता है वो क्या होता है, एबॉर्टिव नेचर का होता है, यानी कि उसका फंक्शन वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले कैप्सूल की बात करते हैं, कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कैप्सूल में क्या प्रेजेंट है, द जैकेट लेयर ऑफ आर्चिगोनियम विच इज टू लेयर्ड फॉर्म कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा पढ़ा था ना अभी, देखा था, तो कैलिप्ट्रा क्या है, वो दो लेयर है ना, कैलिप्ट्रा क्या है, दो लेयर है जैकेट लेयर की, ठीक है, जो कि आर्चिगोनिया की जो है दो लेयर है जिनको कैलिप्ट्रा कहा गया है। द कैप्सूल सराउंडेड बाय टू लेयर कैप्सूल वॉल, और कैप्सूल जो है दो लेयर की कैप्सूल वॉल होती है, जो कि फॉर्म बाय एम्फीथीसियम, जो कि किसके थ्रू बनी है, एम्फीथीसियम ने बनाया है कैप्सूल वॉल को। अ फ्यू सेल्स ऑफ एंडोथीसियम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल की बेस पे कुछ जो है एक फ्यू सेल्स की एक एंडोथीसियम प्रेजेंट होती है ना, एक लेयर प्रेजेंट होती है जो क्या बनाती है, फॉर्म्स इलेटोफोर्स। इलेटोफोर्स क्या होते हैं, टिश्यू बियरिंग इलेटर्स, यानी कि उन इलेटर्स में क्या होता है, टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं, उनको इलेटोफोर्स कहा गया है। द रिमेनिंग सेल्स ऑफ एंडोथीसियम, जो एंडोथीसियम की रिमेनिंग सेल्स हैं, एंडोथीसियम कहाँ है, कैप्सूल के अंदर, है ना, कैप्सूल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो एंडोथीसियम बनाते हैं, और वही एंडोथीसियम क्या बनाते हैं, इलेटोफोर्स बनाते हैं। कुछ एंडोथीसियम की रिमेनिंग सेल्स क्या बनाती हैं, फॉर्म्स स्पोरोजेनस सेल्स, वो क्या बनाती हैं, स्पोरोजेनस सेल्स बनाती हैं आर्किस्पोरियम की, जिसमें 50% सेल्स जो हैं वो रिमेन स्टेराइल होते हैं और 50% सेल जो है वो फर्टाइल नेचर के होते हैं। अब जो स्टेराइल सेल्स हैं वो क्या बना रहे हैं, वो फॉर्म्स इलेटर्स। स्टेराइल सेल जो है 50% के वो इलेटर्स बना रहे हैं विच हैव स्पाइरल थिकनिंग, जिनमें स्पाइरल थिकनिंग होती है, और 50% जो फर्टाइल सेल है वो क्या बना रहे हैं, स्पोर मदर सेल्स बना रहे हैं, ठीक है, वो क्या बना रहे हैं, स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये स्पोर मदर सेल्स बन रही हैं। फिर उसके बाद फर्दर क्या होता है कि ये स्पोर मदर सेल्स मियोसिस होती है, ये अंडरगो मियोसिस, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होता है टू फॉर्म स्पोर टेट्राड, है ना, स्पोर टेट्राड का कंडीशन आता है, ठीक है। ये स्पोर मदर सेल्स जो है रिडक्शन डिवीजन करती है, मियोसिस होता है और स्पोर टेट्राड्स बनाती हैं। द स्पोर्स प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग, और जो कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, फर्दर स्टार्ट हो जाते हैं, जर्मिनेट करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। द इलेटोफोर्स आर परसिस्टेंट इवन आफ्टर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, और जो इलेटोफोर्स होते हैं वो हमेशा के लिए वहीं रह जाते हैं जब जो है स्पोर्ट्स के डिस्पर्सल के बाद भी वो वहीं रहते हैं, है ना, कि जो स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है वो जब डिस्पर्स हो जाते हैं तब भी इलेटोफोर्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है सीटा, कैप्सूल के जस्ट नीचे होता है। सीटा इज ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज 1 mm इन साइज बिफोर स्पोर डिस्पर्सल, स्पोर डिस्पर्सल के पहले वो 1 mm का होता है, ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एट द टाइम ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, जब स्पोर्स का डिस्पर्स होने का टाइम आता है ना, तो द सीटा इलोंगेट, सीटा बड़ा हो जाता है और वो 84 mm का साइज का हो जाता है। पहले वो स्पोर डिस्पर्सल के पहले वो 1 mm के साइज का होता है, और जब स्पोर का डिस्पर्सल का टाइम आ जाता है तो वो इलोंगेट करके 84 mm का साइज का हो जाता है। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दिस इज बिकॉज द स्टार्च कन्वर्ट्स इंटू ग्लूकोज, जो हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है फूड
जो प्रेजेंट है उसमें वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल इंक्रीजेज, और उसकी वजह से जो है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेल का है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और इसकी वजह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने की वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और सीटा इलोंगेट कर जाता है, यानी कि सीटा बढ़ जाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट पार्ट आता है फुट। द होस्टोरियम डज नॉट टेक पार्ट इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फुट कैसा हो जाता है, आपने देखा होगा जो हाइपोबेसल वाला रीजन था वो फर्दर जो है होस्टोरियम में चेंज हो गया है ना, वही आगे चल के फुट बनाता है। तो फुट क्या है, वो होस्टोरियम क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पार्ट नहीं लेता है। द फुट विच इज कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, कोन के शेप का स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल, पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होता है। द फुट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग नरिशमेंट फ्रॉम द गेमेटोफाइट। फर्दर क्या होता है, फुट कहाँ पे है, गेमेटोफाइट जो रीजन है उसमें उससे अटैच होता है, तो ये क्या करता है, गेमेटोफिटिक रीजन से ये पूरा एब्जॉर्ब नरिशमेंट लिया करता है, एब्जॉर्ब किया करता है और सप्लाई करता है, जो आगे चल के ये पूरा स्पोरोफाइट है उसको जो है पूरा सप्लाई करता है। तो फुट का क्या रोल है, फुट जो है एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, नरिशमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है गेमेटोफाइट से और पूरा नरिशमेंट जो है स्पोरोगोनियम को दे रहा है। यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर की बात करी है स्पोरोगोनियम के, जिसमें हमने कैप्सूल के बारे में पढ़ा, सीटा के बारे में पढ़ा और फुट के बारे में पढ़ा। अब आता है स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया यहाँ तक, तो अब उनका डिस्पर्स होने का टाइम आ गया है ना, जब वो मैच्योर हो गए तो उनका डिस्पर्सन का टाइम आ गया और कैप्सूल के डेहिसेंस का टाइम आ गया। तो क्या हो रहा है कि एज द सीटा एलोंगेट्स, जब सीटा एलोंगेट करता है तो कैप्सूल कम्स आउट ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे कैप्सूल क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर से बंद हुआ होता है जिसको कैलिप्ट्रा कहते हैं ना, कैलिप्ट्रा और इन्वोल्यूकर से बंद है, तो वो उससे बाहर आ जा रहा है, कम्स आउट ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर। जब सीटा एलोंगेट करता है तो कैप्सूल बाहर आ जाता है कैलिप्ट्रा से, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड स्प्लिट्स इंटू फोर हाफ्स। वो एयर के कॉन्टैक्ट में आकर के चार हाफ्स में डिवाइड हो जाता है ना, तीन इधर की साइड है एक पीछे की साइड है, तो चार हाफ्स में जो है वो स्प्लिट कर जाता है। और क्या होता है, देयर इज अ फ्लिकिंग एक्शन, एक एक्शन होता है, फ्लिकिंग एक्शन होता है, जिससे क्या होता है कैप्सूल बस्ट कर जाता है, फट जाता है, और कैप्सूल वॉल जो है फट करके क्या होती है, जो हैवी स्पोर्स होते हैं वो बाहर डिस्पर्स हो जाते हैं टू अ शॉर्ट डिस्क विद द हेल्प ऑफ परसिस्टेंट इलेक्ट्रोफोर। जो इलेक्ट्रोफोर्स हमेशा के लिए प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पोर डिस्पर्सल के बाद भी वो रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं, तो उन्हीं की हेल्प से जो है क्या हो रहा है कि स्पोर्स का डिस्पर्जन हो रहा है, यानी कि स्पोर्स अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये हुआ डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ आपने पढ़ा है ना, और उनका डिस्पर्जन कैसे हुआ ये भी आपने पढ़ा। तो यहाँ पे हमारा स्पोरोफिटिक जनरेशन ख़त्म होता है, और इस वीडियो में जो है पेलिया का पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, क्योंकि हमने लास्ट की लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसका क्लासिफिकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, यानी कि गेमेटोफिटिक जनरेशन को पढ़ा, फिर इस वीडियो में हमने उसको उसका स्पोरोफिटिक जनरेशन पढ़ा। तो आई होप कि ये पहलिया का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में भी मेरे चैनल को बताएं, और उसके बाद हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू।